कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये नहीं चाहते कि प्रदेश में या प्रदेश के किसी भी शहर में लॉकडाउन किया जाए। मैं और हमारी सरकार ये चाहती है कि लोगों का व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे और लोग मास्क का उपयोग करें। ये कहना है विधानसभा 3 के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का। एशियन भारत के मैनेजिंग एडिटर अर्शद खान से खास बातचीत में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि जैसे ही कोरोना मरीजों की संख्या कम होगी बाजार खुलवाए जाएंगे। यह संकल्प लेता हूं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए विधानसभा 3 के युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय जी। हम पूछेंगे किस तरह का आज आयोजन था। आकाश जी, आज एक अनूठा आयोजन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर कि सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा। आपने बड़ी अलग ही तरीके से, अलग अंदाज से लोगों को समझाया भी कि किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है। आपकी इसके पीछे क्या सोच और क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंदौरवासी इन निर्देशों का पालन करेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं? देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहे, व्यापार व्यवसाय अच्छे से फूले फले। जब भी कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन लगता है, लोगों को बहुत आर्थिक क्षति पहुँचती है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कतई पसंद नहीं है और ऐसा ना करना पड़े, कर्फ्यू नहीं लगाना पड़े, लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। इसलिए पहले से ही सभी लोगों से हम लोग निवेदन करने के लिए निकले हैं कि लोग मास्क लगाएं, अपने आप का ध्यान रखें, औरों को से भी निवेदन करें कि वे लोग भी मास्क लगाएं ताकि कोरोना नहीं बढ़े, ना कर्फ्यू लगे, ना लॉकडाउन लगे, सभी के व्यापार व्यवसाय अच्छे से फूले फले। इस तरह का आपने भाषण दिया था, उसमें यही कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनका व्यापार व्यवसाय खत्म हो जाता है, तो क्या इस तरह की मांग आपके द्वारा की जाएगी, खासतौर पर होटल व्यवसाय को लेकर कि होटल्स 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं जबकि शराब की दुकान 11:30 बजे तक चालू रहती है? देखिए, मेरी तो और सभी जनप्रतिनिधियों की यही इच्छा रहती है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगे, कोई लॉकडाउन नहीं लगे, सभी व्यापार व्यवसाय अच्छे से फूले फलें। मगर जिस प्रकार के लॉकडाउन कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, 400 बेड, जब 400 प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट शहर में आते हैं तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है, तो कई बार लोगों के प्राण सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। तो आंकड़ा हमेशा 200-250 के अंदर ही रहे, इसके लिए फिर सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी पड़ती है। तो ये आंकड़ा 200-250 के अंदर आ जाए, अगर 250 के अंदर आ जाएगा तो ना रात्रिकालीन कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ना लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं कि आराम से हम लोग सबका इलाज भी कर पाएंगे मगर और व्यापार व्यवसाय भी अच्छे से चल पाएंगे। मास्क लगाना है, यदि सब लोग मास्क लगा के रहेंगे, और बहुत छोटा सा काम है, कोई इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप मास्क लगा के घूमें तो उससे कुछ आपका नुकसान नहीं होता। आपकी विधानसभा एक घनी बस्ती के रूप में है विधानसभा, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि आपकी विधानसभा से ना तो पिछले साल यानी कि कोरोना काल तक तब भी इतने पेशेंट्स नहीं आए थे और अभी भी हम देख रहे हैं, तो जो मध्य क्षेत्र है खासतौर विधानसभा 3, यहाँ पर पेशेंट्स की संख्या कम है जबकि यहाँ पर तमाम तरह के बाजार हैं, उसके बाद प्रशासन की सख्ती क्या समझते हैं आप? देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के अवेयरनेस करें। आज भी जैसे हमारी हर चौराहे पर टेबलें लगी हैं, प्रमुख चौराहे पर विधानसभा के, लोग घर घर जा कर के लोगों से मास्क लगाने का निवेदन कर रहे हैं हमारे बूथ के कार्यकर्ता, और उस टेबल की जानकारी दे रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जन जागरण फैले, लोग मास्क लगा करके ही निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर और प्रदेश से भी यही निवेदन करना। आपने व्यापारियों से और आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से अब आने वाला वक्त गुजारें ताकि कोरोना पर हम काबू पा सकें? मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि कोरोना से बहुत सरल उपाय है। देखिए, हम लोग जब से कोरोना ने इस देश में दस्तक दी, मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा हूँ, एक भी दिन काम रोका नहीं है,
प्रतिदिन काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, मगर अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, क्योंकि मास्क मैं कभी नहीं उतारता हूँ। भाषण तक देता हूँ तो मास्क लगा के ही देता हूँ। तो बहुत सरल उपाय है, यदि आप कोरोना से सेफ्टी चाहते हैं तो मास्क लगाएं। बहुत छोटी सी चीज़ है, हम सब कर सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से, प्रदेश देशवासियों से निवेदन है कि वह मास्क ज़रूर लगाएं, ताकि वे सुरक्षित रहें। सरकार को ना कर्फ्यू की ज़रूरत पड़े, ना लॉकडाउन की ज़रूरत पड़े, और सभी के व्यापार व्यवसाय अच्छे से फूले फलें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे। अंतिम सवाल आपसे कि पिछले साल कैलाश विजयवर्गीय जी ने लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाया था कि लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, आप इसके कभी पक्षधर हैं या नहीं? नहीं, लॉकडाउन का पक्षधर ना कैलाश विजयवर्गीय जी है, ना मैं हूँ, ना शिवराज सिंह चौहान जी है। कोई भी नहीं चाहता है लॉकडाउन लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। मगर जब 250 से ज़्यादा केसेस होने लग जाते हैं कोरोना के प्रतिदिन, तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है सही समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से। तो ऐसे केस में इस तरह के मेजर्स लेना पड़ते हैं, और ऐसे ये मेजर्स ना लेना पड़े, इसीलिए तो आज ये अभियान चलाया हमने। हमसे बात कर रहे थे विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ाई लड़ना है तो मास्क पहनना जरूरी है, सभी को एहतियात बरतना होगा, लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है, लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, लॉकडाउन करने से व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता है। कैमरा पर्सन साजी गप्पा जी के साथ अरशद खान, ACN भारत, इंदौर। यह संकल्प लेता हूँ कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाऊंगा।